Hello everyone, we are going to see the simplification of the grammars. We have already solved few examples in the previous lectures. Let's take one more example and do the simplification. So इसमें अगर आप ध्यान से देखें so आप e से e plus t पहुंच सकते हैं and then e से आप t भी पहुंच सकते हैं, फिर t से t star f एक हमारा इस तरह का प्रोडक्शन है और T से आप F भी पहुंच सकते हैं एंड देन F से आप A पहुंच सकते हैं, इस F से A पहुंच सकते हैं और इस T से F एंड देन F से A पहुंच सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि F, T और E ये तीनों के तीनों जो सिंबल्स हैं वो जनरेटिंग सिंबल्स है क्योंकि इससे हम टर्मिनल सिंबल पे पहुंच सकते हैं। सो अभी फर्स्ट टूल के हिसाब से नॉन जनरेटिंग सिंबल हमें कोई नहीं मिला, सो नो नॉन जनरेटिंग सिंबल। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आप E से T पहुंच सकते हैं और T से F पहुंच सकते हैं और F से E पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है जो कि नॉन रीचेबल, नो नॉन रीचेबल सिंबल। अब हम यूनिट प्रोडक्शन के रिमूवल की बात करते हैं। यहाँ पे कई सारे यूनिट प्रोडक्शन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ई प्रोड्यूसेस टी है हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन, टी प्रोड्यूसेस एफ है यूनिट प्रोडक्शन और F produces A हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं है लेकिन इसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे जिससे कि हम यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर पाए। ओके सो यूनिट प्रोडक्शन को हम कैसे रिमूव करेंगे, लेट्स से हमारे पास पहला हमने E produces T यूनिट प्रोडक्शन को हमने पिक किया और इसको अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि E produces T को रिमूव करने के लिए टी के जितने प्रोडक्शन हैं उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। लेट्स से ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी हमारे पास पहले से था, इसके बाद ई प्रोड्यूसेस टी को रिमूव करने के लिए हमने टी प्रोड्यूसेस टी स्टार एफ यहाँ लिख दिया और एक एफ लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। सो हमने ई ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी और ई प्रोड्यूसेस टी की जगह हमने टी 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 का जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पे लिख दिया। चूंकि हमारे पास E produces F हमारे लिए एक यूनिट प्रोडक्शन है तो इसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो E produces F को हम कैसे रिमूव करेंगे कि F के जितने भी एक्सपेंशन है वो उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। सो यहाँ पे क्या हुआ, E produces E plus T, ऑल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। E produces T star F, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, बट E produces F को F के एक्सपेंशन से हम कर देते हैं, F produces under parenthesis E and A। So, हमने E को रिमूव कर दिया, फाइन। सो ये मेरा पहला सिंप्लीफिकेशन हो गया। फिर इसके बाद हमने ये वाला जो काम किया हमने, अगर हम इसमें नंबरिंग करें तो ये पहले वाले प्रोडक्शन के लिए किया है या पहले पेयर ऑफ प्रोडक्शन के लिए किया। अब हम दूसरे के लिए करते हैं, तो दूसरे के लिए हम जब करेंगे तो दिस इज टी प्रोड्यूसेस टी स्टार एफ और टी प्रोड्यूसेस एफ हमारे लिए एक यूनिट प्रोडक्शन है तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, वी विल रिमूव दिस यूजिंग द थर्ड प्रोडक्शन विच इज एफ प्रोड्यूसेस अंडर पैरेंथेसिस ई एंड दिस ए। सो हमने फर्स्ट को रीराइट कर दिया, सेकेंड को रीराइट कर दिया, अब हम थर्ड को लिखते हैं। थर्ड में कोई समस्या नहीं है और थर्ड में कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, सो आप थर्ड को ऐसे ही लिख दीजिए एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड ग्रामर बाई first checking for the non-generating symbol, then checking for the non-reachable symbol, and then removing the unit productions. I hope आपके ये समझ में आया होगा और हम कुछ और examples लेंगे next lecture में। Thanks for watching this.